Assalamualaikum and welcome to Zions.com। इस वीडियो में हम अपीयरेंस के टैब पे बात करेंगे कि वर्डप्रेस में अपीयरेंस का टैब क्या है और उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप मैक में हैं तो आप अपने लोकल के सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट साइट पर क्लिक करेंगे। और अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप सबसे पहले अपने जैप के सॉफ्टवेयर को चलाएँगे। अपाची और माई एस क्यूएल की सर्विस को चलाने के बाद आप गूगल क्रोम में आएंगे और वहाँ पे लोकल होस्ट लिखने के बाद स्लैश अपने जो भी आपने फोल्डर का नाम लिखा होगा उसमें आएंगे वर्डप्रेस के जो भी आपका फोल्डर का नाम होगा तो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट चलेगी। मैक में आप यहीं पे इस नेम पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट में आ जाएंगे। वेबसाइट में आने के बाद आप उसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अपीयरेंस का टैब है। आज हम इस पर बात करेंगे कि इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन के साथ आपको पहले ही पता है कि वो थीम्स का ऑप्शन है और उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कौन कौन से थीम अवेलेबल हैं। अगर हमें कोई नया थीम चाहिए तो हम यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हमने कोई फ्री थीम अवेलेबल यूज़ करना है तो यहाँ से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई पेड थीम है जो हमने कहीं से बाई किया है तो उसकी जिप फाइल हम यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करके यहाँ से उसकी जिप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टैब के साथ आप पहले ही काफ़ी वाकिफ है। और अगर आपने कोई थीम चेंज करना है कि जैसे ये थीम अभी एक्टिव है, मैंने ये थीम चेंज करना है, एक्टिव करना है, तो इसके एक्टिव बटन पर क्लिक करूँगा, वो थीम चेंज हो जाएगा। मैंने फिर उसी को एक्टिव करना है तो उस पर क्लिक कर लूँगा। तो इस टैब से आप पहले ही काफ़ी वाकिफ है तो कि ये टैब क्या है और क्या करता है। नेक्स्ट हमारे पास टैब है कस्टमाइज का। ये टैब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हम काफ़ी वर्डप्रेस की वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। इस टैब में हमारा जो थीम एक्टिव होता है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसको हम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस एक नई स्क्रीन में ले आएगा और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर साइट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो आपने देखा होगा कि आपकी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है अगर उसको कोई आके सर्च करे तो यहाँ पे उसको एक फैव आइकॉन नज़र आता होता है। तो वो फैव आइकॉन आप यहाँ पे जो छोटा सा एक आइकॉन होता है वो आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट का कैसे लगा सकते हैं, आप वो यहाँ पे कस्टमाइज़ के टैब में ही लगेगा। आप कस्टमाइज़ के टैब में आ जाएंगे, साइट आइडेंटिटी पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये एंड पे लिखा हुआ है साइट आइकॉन। साइट आइकॉन को हम फैव आइकॉन भी कहते हैं। यहाँ पर आप जो भी इमेज सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे यही इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको क्लोक कर लेते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। हम इसे पब्लिश कर देते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइट आइकन चेंज हो गया। इस तरह आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट का फैव आइकन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर अपनी साइट का लोगो चेंज करना है तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है लोगो की। आप यहाँ पर क्लिक करें, इमेज सेलेक्ट करें, क्लोक कर दें और ये देख सकते हैं यहाँ पर लोगो चेंज हो चुका है। आप इसको पब्लिश कर दें। ये अभी क्योंकि जब आप कोई लोगो ना लगा के रखें तो जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट का नेम होता है उसी को वो यहाँ पे टेक्स्ट के तौर पे लिख देता है। हमने क्योंकि अब लोगो लगा दिया, आप रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे वो लोगो आ गया। उसके बाद आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये तो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट का नाम आ गया, उसके बाद ये एक हैश आई है और बाद में एक ये टेक्स्ट आ रहा है। आप ये टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी आप इस कस्टमाइज के ऑप्शन में ही चेंज कर सकते हैं। ये टैगलाइन होती है आपकी वेबसाइट की, आप यहाँ पे आके जो भी लिखेंगे माई वेबसाइट, ये यहाँ पे जो भी आपने लिखा होगा वो यहाँ पे हैश के बाद वो लाइन वहाँ पे आ जाएगी। आप इसको पब्लिश करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं ये वो चेंज हो रही है। ये हमारे पास साइट आइडेंटिटी के टैब में ऑप्शन अवेलेबल थे। उसके बाद हमारे पास अपनी साइट के कलरिंग के भी ऑप्शन अवेलेबल है कि ये आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में ना सारा जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है ना वो ये हल्का सा ब्राउनिश टाइप है। आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप यहीं पे कस्टमाइज़ के टैब में हैं, यहाँ पे कलर का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, इसको आप चेंज कर दें जो भी आप करना चाहते हैं। मैं वाइट चाहता हूँ, मैं वाइट पर क्लिक कर दूँगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वाइट पर क्लिक किया है यहाँ पर ये सारा वाइट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने रेड पर क्लिक किया है ये सारा जो बॉडी थी उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। मैं वाइट चाहता हूँ, मैं वाइट पर क्लिक करूँगा, ये वाइट हो गया, इसको पब्लिश कर दूँगा। चेंजेस करने के बाद उसको पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो चेंजेस आपकी साइट में रिफ्लेक्ट हो जाए।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये सारे ऑप्शंस थीम टू थीम वेरी करते हैं। मतलब 2020 थीम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कोई पेड थीम यूज़ करेंगे तो हो सकता है उसमें हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी ऑप्शंस अवेलेबल हों। तो ये सारे ऑप्शन थीम टू थीम वेरी करते हैं। जो ऑप्शन वेरी नहीं करते वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे हमेशा यहाँ पे साइड आइकॉन का ऑप्शन होता है, लोगों का ऑप्शन होता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमेशा मेन्यूज़ का ऑप्शन होता है, हमारे पास हमेशा विजिट्स का ऑप्शन होता है, और हमारे पास मेन्यूज़ का ऑप्शन क्या है कि जो हमारे वेबसाइट में मेन्यूज़ होती हैं, जैसे ये हमारी ये मेन मेन्यू है, हम इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये मेन्यू है जो हमारी के यहाँ पे नज़र आ रही है, ये मेन मेन्यू, हम इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, एक नई मेन्यू बनाएंगे। मेन मेन्यू मैं उसका नाम रख लेता हूँ, और यहाँ पे ये देखें जो हमारे पास लोकेशंस होगी ना वो वहाँ पे आपको पूछेगा। जैसे मुझे पता है कि ये जो मेन्यू, ये आपको ज़रा बार बार यूज़ करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी मेन्यू मैं कहाँ पे लगाऊंगा। मैंने काफ़ी दफ़ा मेन्यू यूज़ की है, मुझे पता है ये जो मेन्यू है ये डेस्कटॉप की हॉरिजॉन्टल मेन्यू, उसके बाद जो फुटर की मेन्यू होगी उसका नाम फुटर मेन्यू ही होगा, और जो मोबाइल मेन्यू होगी उसका नाम मोबाइल मेन्यू होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू, हम इस पर क्लिक, और इसका सबसे आसान तरीका यह है, आपको नहीं भी पता तो आप बस इन सभी को चेक कर लें, आप देख लेंगे कि कौन सी मेन्यू कहाँ कहाँ पे ऑप्शन। यहाँ पे चेक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट किया तो यहाँ पे ये मेन्यू बन गई है। उसके बाद इस मेन्यू में आपको कोई आइटम्स भी ऐड करने पड़ेंगे। आइटम्स ऐड करने का मतलब क्या है, जो लिंक्स, ये जो लिंक्स हैं इनको आइटम्स कहते हैं, इसको आपको यहाँ से ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप कस्टम जो पेज हैं पेजेस हैं उनको लगा सकते हैं। अगर आपने किसी फाइल का लिंक देना है, मतलब कि कोई बाहर से आपने कोई भी गूगल से इमेज देख ली हुई है, यहाँ से आप इस इमेज का लिंक लगाना चाह रहे हैं, इसका यहाँ से कॉपी इमेज करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, और यहाँ पे आके कस्टम लिंक में किसी भी फाइल का लिंक लगाना है, यहाँ पे यूआरएल में उसका लिंक दे देंगे, और यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, मैं जो भी लिखना चाहता हूँ, इमेज टू डाउनलोड और ऐड टू मेन्यू। उसके बाद मैं इसमें पेज भी ऐड करना चाहता हूँ, मैं पेजेस के टैब में आऊँगा, और यहाँ पे जो भी मेरे ऑलरेडी बने हुए पेजेस होंगे वो सारे नज़र हो रहे हैं, मैं बस प्लस पे क्लिक करूँगा वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी एक बहुत अच्छी पोस्ट है वो भी मेन्यू में नज़र आए, मैं पोस्ट के टैब में आ जाऊँगा, और यहाँ पे जो भी जितनी मेरी पोस्टें होंगी वो सारी यहाँ पे नज़र हो रही होंगी, मैं उस पर क्लिक करूँगा वो ऐड हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इसका जो मेन्यू में नाम नज़र आ रहा ना वो कुछ और हो, किसी भी टैब का, मैं उस पर बस क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेविगेशन लेबल ये आप चेंज कर सकते हैं, ये आपका जो दिल करता है आप वो रख सकते हैं, कि ये वो चीज़ है जो यूज़र को एट टाइम नज़र आ रही होगी जिस पे वो क्लिक करेगा। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये मेन्यू चेंज हो गई है ये, और इसके साथ आप देख सकते हैं ये एक और मेन्यू का टैब आ गया, ये वो एक्सपेंड मेन्यू थी जिसकी मैं बात कर रहा था। आप ये नई मेन्यू चाहते आप सिर्फ यहाँ पर आएंगे और इसको यहाँ पर, अब ये था मैं जो कह रहा था कि आप ट्राई कर सकते हैं, इसको यहाँ से अनचेक करें और देखें कि कौन सी मेन्यू गायब हुई है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करें और आप देख सकते हैं वो मेन्यू गायब हो गई है। उसके बाद आप फुटर में देख सकते हैं कि ये हमने, क्योंकि यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया था कि ये फुटर में भी आ जाए, ये फुटर मेन्यू, तो ये फुटर में भी कहीं पे शो हो रही होगी, यहाँ पे ये देखें ये फुटर में भी ये मेन्यू आ गई। आप यहाँ पे ये मेन्यू नहीं चाहते तो आप यहाँ पे सिंपल आएंगे और यहाँ से अनचेक कर लेंगे, और आप देखेंगे कि ये ऑप्शन यहाँ पे लाइव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे काम करते हैं उसी वक्त यहाँ पे चेंज हो जाता है, ये यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इस तरह आपको बार बार यहाँ पे आके रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन्यू का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे उसी वक्त ऑप्शन रिफ्लेक्ट होंगे, आप इसको अनचेक कर दें। मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि ये यहाँ पे नज़र आ रही हो मेन्यू मेन में, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको डेस्कटॉप पे रखूँगा और मोबाइल मेन्यू को भी यही रहने दूँगा और सोशल मेन्यू को अनचेक कर दूँगा, उसके बाद मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि कोई मेन्यू है जो आपकी नए टैब में ओपन हो, मतलब कि यूज़र इस पर क्लिक करे, ये मेन्यू का लिंक था इस पर क्लिक किया ना, तो ये इसी टैब में ओपन ना हो, इस पर मैंने क्लिक किया तो उसी टैब में ओपन नहीं था होना चाहिए, इसको नए टैब में ओपन होना चाहिए ना। तो आप बस इसमें आएंगे मेन्यू में, जो भी आप टैब चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ये रेसिपी वाला नए मेन्यू ओपन हो, इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ओपन इन ए न्यू टैब, इस पर क्लिक कर दें और सेव कर दें। अब आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करें, अब जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो उसके नए टैब में ओपन कर देगा, तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि एक नए टैब में कोई चीज़ ओपन हो तो उसको नए टैब में। उसके बाद हमारे पास विजिट्स का यहाँ पे ऑप्शन है,